पहले मट्टी डाला जाता है, डायरेक्ट रॉ मट्टी देखिए डाल के वैसा फेस बनता है। देखिए बहुत सारा, कम से कम 10-15 फेस बनाया गया है मूर्ति का। बहुत शानदार काम चल रहा है, फुल फ्लेज्ड काम चल रहा है दुर्गा पूजा के लिए देखिए कुमार टोली में। Guys, welcome to Bonnie's Nation and you are watching Bonnie Vlogs. I hope you guys are doing absolutely fine. As usual, आप लोगों को thumbnail देख के पता चल गया होगा कि मैं कहाँ आया हूँ। मैं आज फिर से कुमार टोली आ चुका हूँ। किस लिए? दुर्गा प्रतिमा मेकिंग, आइडल मेकिंग प्रिपरेशन कैसा क्या चल रहा है कुमार टोली में 2022 के लिए। इस बार आप लोगों को जैसे पता है, देखिए यूनिस्को के थ्रू से दुर्गा पूजा इंटरनेशनल फेस्टिवल हो चुका है, तो इस बार महालय के दिन प्रथमा से दुर्गा पूजा होगा। तो बहुत सारा इधर मूर्ति बन रहा है जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाया हूँ। तो चलिए गाइस, ज़्यादा बातें नहीं करके मैं व्लॉग शुरू कर रहा हूँ। और अगर ये व्लॉग आप लोगों को अच्छा लग रहा है और लगेगा भी, तो एक आप लाइक कर दीजिए व्लॉग को, शेयर कर दीजिए ज़्यादा। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन प्रेस करके और प्रेस कर दीजिए। तब चलिए गाइस ब्लॉग शुरू करते हैं। दर्शकों, मैं आ गया हूँ चाइना पाल स्टूडियो में। आज का पहला स्टूडियो चाइना पाल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यह मूर्ति देखिए बन गया है, इस तरफ लाइटें कम आ रही है, तो चलिए अंदर जाके मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए बहुत बढ़िया बढ़िया मूर्ति बन रहा है। ये सब घर के लिए है, ये सब मूर्ति देखिए काफ़ी बढ़िया बढ़िया मूर्ति इधर बन रहा है। दर्शकों देखिए, बहुत सारा मूर्ति जैसे कि रेडी हो रहा है। देखिए ये मूर्ति की काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ठीक है, अलग अलग धरन का मूर्ति है, मैक्सिमम सब घर के लिए ये सब बन रहा है। देखिए मूर्ति का हाइट बहुत ही परफेक्ट है। देखिए बहुत बढ़िया बढ़िया मूर्ति बन रहा है। तो चलिए मैं आपसे थोड़ा मुलाकात करवा देता हूँ। तो चाइना पाल स्टूडियो का ओनर है, देखिए चाइना पाल इनका नाम है। तो आपनी बोलूँ ए बार कुमार टोली ते कैमन की सिचुएशन और बाजारटा कैमन। কেমন কি মানে দাম দামটা ঠিক বলা যায় না, কারণ এটা তো হাতের কাজ। আমার স্টুডিওতে একরকম, একটা স্টুডিওতে একরকম, সেই জন্য আমি দামটার বিষয়ে বলি না। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আরে এইগুলো কি সব কিছুই কি অর্ডারই? আমার এই ঠাকুরগুলো সবই অর্ডারই। আগে বাড়িতে বেশিরভাগ এই ঠাকুরগুলো পুজো হতো, কিন্তু এখন মণ্ডপে গিয়েও পুজো হচ্ছে, আবাসনে হচ্ছে, মঠেও হচ্ছে, নানান জায়গায় হচ্ছে। এবার আমার একটা ভূপালে যাবে অ্যাকচুয়ালি প্রতিমা। কোনটা ভূপালে যাবে একটু বলতে পারবেন কি? আচ্ছা এইটা। तो गाइस देखिए ये वाला जो मूर्ति है मैं आपको दिखा रहा हूँ उस तरफ से, ये भोपाल जाने वाला है और सब कोलकाता ही मोटा मोटी। हाँ, कोलकाता का बॉम्बे आते हैं। ओ बॉम्बे, माने मोटा मोटी अपना ठाकुर बाहर जा रहा। अपना अपना जो स्टूडियो नाम प्रचुर सुने और दर्शक अनेक रिक्वेस्ट थे जो अपना स्टूडियो से वीडियो करान और शुधुमात्र अपना स्टूडियो ना अपना देखे निल दर्शक। अच्छा तो धन्यवाद दीदी। दर्शकों देखिए मैक्सिमम जो ठाकुर है आप मूर्ति जो देख पा रहे हो पूरा प्लाईवुड का चालचित्र। देखिए बैकग्राउंड में प्लाईवुड दिया गया है, तो प्लाईवुड का कॉस्ट लेकिन ज्यादा होगा। ठीक है, इसमें डिजाइन होगा, एगुलो तो माटी रो डिजाइन होगा ना प्लाईवुड के ऊपर? माटी डिजाइन कलर करा होगा। अच्छा तेल कलर और एरो पर पर्दा दिए सजाना है। अच्छा, मैंने এটা কস্টলি মাটির থেকে নাকি? হ্যাঁ মাটির থেকে পজে, কিন্তু এটা দেখতে সুন্দর, দেখতে বেশি সুন্দর, হালকা হবে, হালকা হবে। তো দর্শক দেখিয়ে ये जो कांसेप्ट है इसमें कोई मिट्टी का कुछ नहीं होगा, इसमें कलर होगा, पेंट होगा पीछे पूरा जैसे चलचित्रों में होता है। और ये आपका लाइट वेट होता है और इसका प्राइस भी ज्यादा होता है।
दर्शकों मैं आ गया हूँ देखिए बाबूंदा का स्टूडियो में। देखिए बाबूंदा भी काम कर रहे हैं। एटा कौन ठाकुर बना चौंदा लक्की ठाकुर, तो ये लक्ष्मी जी लक्ष्मी भगवान देखिए बन रहा है। और देखिए दूर में आप लोग देख पा रही हो छोटा सा जो मूर्ति है पूरा चाल चित्रों में काफ़ी बढ़िया लग रहा है इससे। बमकिंग पाल स्टूडियो में आ गया हूँ। तो देखिए ये मिनिएचर जो दुर्गा मूर्ति है देखिए सब कुछ अभी भी वाइट कलर का जो पेंट हुआ है। देखिए इस तरफ गणेश जी है बेबी गणेश, देखिए इधर मूर्ति में रंग अभी डाला गया है, उस तरफ भी ये मूर्ति में रंग किया गया है। देखिए काफ़ी बढ़िया लग रहा है गाइस। आप लोगों को लग रहा है कि मैं क्यों आया हूँ फिर से कैमरा के सामने, ऑफकोर्स आना पड़ेगा गाइस, बिकॉज पीछे है राखालपाल स्टूडियो। राखालपाल स्टूडियो में आप लोग देख पा रहे हो और आप लोगों को दिखाऊंगा कितना सारा प्रतिमा इधर बन रहा है। मेरा पीछे आप लोग देख पा रहे हो गणेश जी का जो मूर्ति है सिर्फ बिचाली का काम हुआ है। तो चलिए गाइस कैमरा घुमाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसा क्या प्रिपरेशन चल रहा है राखालपाल स्टूडियो में। इतना बड़ा एक गणेश मूर्ति काफ़ी बढ़िया लग रहा है। देखिए सिर्फ बिचाली का काम हुआ है। देखिए दूर में देखिए दुर्गा माता दुर्गा प्रतिमा बहुत सारा बना है ये राखालपाल स्टूडियो का। देखिए और इस तरफ भी एक गणेश मूर्ति है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो दर्शकों। देखिए बहुत बढ़िया लग रहा है गाइस। देखिए सब काम कर रहे हैं इसलिए डिस्टर्ब करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, तो मैं बाहर से ले रहा हूँ वीडियो। देखिए अंदर तो जा नहीं पा रहा हूँ, देखिए जितना हो सक रहा है मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए बहुत सारा मूर्ति रेडी हो चुका है गाइस, जब कलर पड़ेंगे इसमें बहुत बढ़िया लगेगा गाइस। मैं तो महालया का लिए सिर्फ वेट कर रहा हूँ। देखिए बहुत 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 खूबसूरत। देखिए दर्शकों ये गणेश जी का मूर्ति मैं आप लोगों को दिखाया था। देखिए अभी भी बहुत काम बाकी है और मैं मेन जो चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ देखिए कितना सुंदर काम हो रहा है। देखिए देवी दुर्गा का देखिए मट्टी का लेयर का काम हो रहा है। देखिए अंदर कारीगर काम कर रहा है, भैया काम कर रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। कुमारटुली में आने से ऐसा जो आपको सीन्स मिलेगा ये देख के आपको बहुत अच्छा लगेगा गाइस। देखिए बहुत बढ़िया काम हो रहा है। ये सब जो मूर्ति है सब प्लाईवुड का देखिए पीछे बनाया गया है चालचित्रों काम चल रहा है गाइस। पूजा और आपका 64-65 डेज बाकी है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है गाइस। देखिए बहुत सारा दुर्गा प्रतिमा का जो मुखोश है फेस है देखिए भैया अभी बना रहे हैं बहुत सारा। और मैं आ गया हूँ शोमीर पाल एंड सॉन में। देखिए मूर्ति का हाइट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इस तरफ एक मूर्ति है, इस तरफ भी है और इस तरफ देखिए घर के लिए जो मूर्ति बनता है गाइस आप लोग देख पा रहे हैं बहुत बढ़िया बढ़िया मूर्ति उधर बन रहा है और बहुत ही शानदार देखिए मूर्ति। मैं लास्ट ब्लॉग में भी आप लोगों को दिखाया था काफ़ी बढ़िया बढ़िया मूर्ति है। देखिए
भैया अभी देखिए फिर से और एक मूर्ति देखिए, ये छाछ में डाल के भी बनाएंगे। मच अवेटेड जो स्टूडियो है, देखिए आप लोग देख पा रहे हो, देखिए मैं आ गया हूँ मोहन बाशी रुद्रपाल स्टूडियो में। काफ़ी बढ़िया बढ़िया मूर्ति इधर भी बन रहा है। कुमार टूली का जो स्टूडियो स्टार्ट होने में सबसे पहला स्टूडियो जो है, देखिए मोहन बाशी रुद्रपाल का स्टूडियो है। देखिए ये मूर्ति आप जो देख पा रहे हो दशभुजा दुर्गा माता का, काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी यूनिक स्टाइल का ये मूर्ति। देखिए पूरा मट्टी का काम हुआ है, देखिए बहुत बढ़िया लग रहा है। देखिए इस तरफ भी 1 2 3 मूर्ति, 4 5 6 7 8 9 मतलब 9 10 मूर्ति तो इधर ही है। काफ़ी बढ़िया बढ़िया मूर्ति, अंदर सरस्वती भगवान और जो छोटा छोटा मूर्ति है सब कुछ है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है गाइस, देखिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देखिए ये सब मूर्ति काफ़ी बढ़िया। ऑर्डर बहुत हुआ है इस साल मोहन बाशी रुद्रपाल में, ऑर्डर तो होगा ही, आप लोगों सबको पता है। देखिए बहुत बढ़िया बढ़िया मूर्ति आता है, इधर से मूर्ति बाहर भी जाता है, ऑलरेडी बाहर चला गया है। देखिए बहुत ही बढ़िया काम हुआ है गाइस। देखिए बहुत सारा मूर्ति तो प्रिपेयर हो गया है, देखिए मट्टी का भी काम बहुत सारा स्टूडियोज में कंप्लीट, जिसमें अभी मट्टी का काम नहीं लगाया गया है, सिर्फ बिचाली का काम हो गया है। तो देखिए मैं जितना हो सका मैं आप लोगों को पूरा दिखाऊं हर स्टूडियो का, जैसे जैसे कि इधर बहुत बड़ा बड़ा दुर्गा प्रतिमा बन रहा है और सिर्फ मट्टी का काम ही अभी हुआ है, अभी प्राइमर का भी काम स्टार्ट नहीं हुआ है, बिकॉज अभी है और बारिश के लिए तो सुखाने में थोड़ा टाइम लग रहा है। काफ़ी बड़ा बड़ा इधर साइज़ का मूर्ति बना है। तो चलिए गाइस आप लोग ऐसे ही व्लॉग देखते रहिए, व्लॉग के मज़े लेते रहिए, और कुमार टूरी रिलेटेड जो भी व्लॉग है दुर्गा प्रतिमा 2022 आइडल मेकिंग का, तो देखिए गाइस। दादा किसी बोल रहे हैं, तो गाइज आप लोग मेरा ये कुमार टूली प्रिपरेशन का, मतलब ये मेरा सेकंड ब्लॉग था कुमार टूली, नहीं सॉरी थर्ड ब्लॉग था कुमार टूली दुर्गा आइडल मेकिंग प्रिपरेशन का, कैसा क्या चल रहा है तो आप लोगों को मैं सब कुछ इन डिटेल दिखाने का कोशिश किया हूँ। देखिए बारिश हुआ है, अभी भी ठाकुर सूख रहा है बहुत, तो हीटर से सुखाना पड़ रहा है, तो बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन है। तो मैं जितना हो सका मैं आप लोगों को दिखाया कि कुमार टूली में कितना और कैसा कैसा दुर्गा प्रतिमा बन रहा है इस बार दुर्गा पूजा के लिए 2022, और आप लोगों को सब चीज़ मैं इन डिटेल्स दिखाया हूँ। तो आशा करता हूँ ये व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा भी नहीं लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, शेयर तो ज़रूर से करना, सब्सक्राइब तो ज़रूर से करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर देना ताकि मेरा हर ब्लॉग का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँचे और आप लोग ऐसा ही अच्छा अच्छा ब्लॉग देख पाओ दुर्गा पूजा रिलेटेड कुमार टूली। तो चलिए गाइस ब्लॉग आज का खत्म करते, हियर बॉनी ब्लॉग साइनिंग ऑफ, बाय गाइस।